गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस प्रीलिम स्पेशल डेली करेंट डोज में आपका स्वागत है। ये हमारा अगस्त महीने का तीसरा डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला टॉपिक एक रिपोर्ट से संबंधित है। इस रिपोर्ट का नाम द टॉक्सिक ट्रूथ है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि द टॉक्सिक ट्रूथ रिपोर्ट जिसे हाल फिलहाल में जारी किया गया था, ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे इस रिपोर्ट को दो संस्थान, एक तो है यूनिसेफ जो कि यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड यानी कि विशेषीकृत संस्थान है, और दूसरा एक एनजीओ जिसका नाम प्योर अर्थ है, इन दोनों के सहयोग से इसे तैयार किया जाता है और इसे जारी किया गया है। तो सबसे पहले आप इसे याद रखेंगे कि द टॉक्सिक ट्रूथ रिपोर्ट को किसके द्वारा तैयार किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है। अगर हम बात करें इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों का, तो इस रिपोर्ट में सीसा के विषाक्तता से संबंधित जानकारियों को दिखाया गया है। मुख्य रूप से किस प्रकार से सीसा बच्चों को प्रभावित करता है, उस बात को इस रिपोर्ट में विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सीसा बच्चों को कहां कहां प्रभावित करता है, कब प्रभावित करता है इत्यादि। तो फ्रेंड्स, जो सीसा होता है वो इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनके मस्तिष्क को वो यानी कि सीसा विकसित होने नहीं देता। यदि आरंभिक तौर पर इसे कंट्रोल न किया जाए तो ये आगे चलकर बच्चों में हिंसात्मक प्रवृत्ति या फिर आपराधिक प्रवृत्ति को भी निर्मित करने का एक कारण बनता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में बच्चों के द्वारा सीसा का अधिक अनुपात लिया जाता है तो इससे बच्चों में शारीरिक विकलांगता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यदि आरंभिक तौर पर बच्चों को प्रभावित न भी करे तो ये आगे चलकर बच्चों को यानी कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनके गुर्दा या फिर हृदय रोग संबंधी रोगों का भी कारण बन सकता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से कहां कहां सीसा प्रभावित करता है आपने समझ लिया है, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दे या फिर हड्डियां। हड्डियों में कहां से आता है, जब मां गर्भवती होती है उस दौरान जो भ्रूण होते हैं उनमें, मां से भ्रूण में सीसा जा सकता है, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। WHO के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 10 खतरनाक रसायनों की पहचान की गई है। उन खतरनाक रसायनों में से एक सीसा भी है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी कारण से WHO के द्वारा जो पेंट होते हैं उन पेंट में सीसा का उपयोग कम किया जाए, ताकि जब बच्चे घर में खेलते हैं या फिर किसी दूसरे गतिविधि के माध्यम से बच्चों के हाथ के द्वारा और हाथ से फिर बच्चों के शरीर में सीसा न पहुंच जाए। तो ये आप ध्यान रखें, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। हमारे डिस्कशन का दूसरा टॉपिक सचेतक के बारे में है। सचेतक मतलब विहिप। आपने राजस्थान क्राइसिस के बाद या फिर इससे पहले बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि सचेतक यानी कि विहिप जारी कर दिया गया है, या फिर ये किसी राजनीतिक दल का विहिप है। क्या होता है विहिप? फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, यदि आप समझ जाएंगे तो कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया जाए आप आंसर निकाल लेंगे, या फिर मेंस में यदि आपसे पूछा जाए तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विहिप जो होता है वो एक विचारधारा है, वो एक ऐसी धारणा है जो किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा जारी की जाती है और उसे अपने राजनीतिक पार्टी के हर सदस्य को मानने के लिए विवश किया जाता है। ये इसी पद्धति को विहिप कहा जाता है। हर राजनीतिक दल अपने वरिष्ठ सदस्य को चयनित करता है, मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद किसी विधेयक से संबंधित या फिर किसी दूसरे मतदान से संबंधित कुछ भी किया जाना है तो विहिप किसी वरिष्ठ व्यक्ति को चयनित कर दिया जाता है और उसे दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं कि आप पार्टी के सभी सदस्यों में इस दिशा निर्देश को लागू करवाएं। तो यह होता है विहिप। इसके बारे में उल्लेख कहां किया गया है? क्या यह संविधान में उल्लेख किया गया है? जी नहीं, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है, आप यह ध्यान रखेंगे। फिर हम लोगों ने इसे एडॉप्ट कहां से किया? तो फ्रेंड्स,
इस प्रकार की पद्धति, इस प्रकार की अवधारणा जो है वो ब्रिटेन में है और ब्रिटेन से ही भारत ने इस पद्धति को अपनाया है। मुख्य रूप से ये मतदान के क्रम में जारी किए जाते हैं, जब लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में किसी विधेयक पर या फिर किसी विशेष मुद्दे पर मतदान किया जाना हो तो राजनीतिक दल के द्वारा इसे जारी किया जाता है और अपने सभी सदस्यों को कहा जाता है कि आप संबंधित विचारधारा के पक्ष में अपना मतदान करें। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें व्हिप के प्रकारों का तो ये तीन प्रकार के होते हैं, वन लाइन व्हिप, टू लाइन व्हिप और थ्री लाइन व्हिप। वन लाइन जो होता है उसमें जब वन लाइन व्हिप जारी किया जाता है तो उसमें राजनीतिक दल के सभी सदस्यों को जो कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के लिए चयनित हुए हैं उनको बताया जाता है कि संबंधित मुद्दे पर किसी सदन में चर्चा है, मतदान है, आप वहां पर उपस्थित रहें। वो उस पार्टी का सदस्य उपस्थित रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। लेकिन यदि टू लाइन व्हिप जारी किया गया है तो उसमें यह कहा जाता है कि आप उपस्थित रहें सदन में और मतदान भी करें। ये नहीं कहा जाता है कि आप जरूरी रूप से पक्ष में ही मतदान करें। यदि थ्री लाइन व्हिप जारी किया जाता है तो कहा जाता है कि आपको सदन में उपस्थित भी रहना है, आपको मतदान भी करना है और मतदान पार्टी के पक्ष में ही करना है। जैसे 370 जब हटाया जाना था तो कांग्रेस जो थी उनके पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया गया था कि आप विपक्ष में करें मतदान, और विपक्ष में उनके सभी सदस्यों के द्वारा किया भी गया था। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसा अलग अलग उदाहरण दिया जा सकता है, तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का जो तीसरा टॉपिक है वो महिला, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस से संबंधित है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया था या फिर किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे हर साल पिछले साल से 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाना शुरू किया गया है। यही वो दिन है जिस दिन 3 तलाक को एक ही बार में कहने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिया गया। इसी दिन राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को लागू किया अपने हस्ताक्षर के द्वारा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का इसी प्रकार से छोटा सा एक टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश की सरकार ने अपनी मुद्रा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान के रूप में अपने सिक्के में स्थान देने का मन बनाया है। तो आप याद रखेंगे ब्रिटेन ने, ब्रिटेन का जो मुद्रा है पाउंड, उसमें किसी एक मुद्रा में कौन से 50 पाउंड में या फिर 150 पाउंड में, ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन बस ये कहा गया है कि महात्मा गांधी के सम्मान में जो उनकी मुद्रा होती है वहां पर इनके चेहरे को, इनके, इनको स्थान दिया जाएगा। तो आप याद रखेंगे ब्रिटेन का नाम। अगला डिस्कशन का जो टॉपिक है वो अगति द्वीप के बारे में है। इसे कहीं कहीं अगाती भी लिखा हुआ है। तो अगति द्वीप समूह कहां है, आपसे यह पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे ये भारत का ही हिस्सा है और जो लक्षद्वीप आप जान रहे हैं उनके क्षेत्र में जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं उनमें से एक समूह जो है उसे अगति या फिर अगाती द्वीप समूह कहा जाता है। न्यूज में क्यों था फ्रेंड्स, क्योंकि एनजीटी ने अभी इस द्वीप के आसपास सड़क बनाने के क्रम में जो नारियल के पेड़ को काटा जाना था उनको काटने से मना कर दिया गया है। कहा गया है कि आप कुछ दूसरा तरीका अपनाइए, नारियल के पेड़ों को ना काटिए। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, अगति या फिर अगाती द्वीप समूह जो है वो यहां पर है, ये हमारे प्यारा भारत का एक राज्य केरला, आप इसे देख सकते हैं, यहां पर भी यही है, यहां अगाती लिखा हुआ है। हमारे डिस्कशन का छठा टॉपिक बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। आप जानते हैं भारत में भी बहुत सारे ऐसे परमाणु संयंत्र हैं, लेकिन बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो भारत का नहीं है, ये यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसे आप ध्यान रखेंगे। बाराकाह का मीनिंग आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा जहां तक उम्मीद है, लेकिन इसका मीनिंग आप देख ले, आशीर्वाद होता है। यह पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है, भारत के द्वारा, यूएई के द्वारा? जी नहीं, कोरियाई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा इसे निर्मित किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे।
हमारे डिस्कशन का सातवां टॉपिक जो है वो ढोले के बारे में। ढोले क्या होता है? ढोले जो है वो एक प्रकार की एशियाई जंगली कुत्ते होते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ढोले के संबंध में कुछ जानकारियां दे दी जाएंगी जो इन्हीं से संबंधित हो सकती हैं। आपको उनमें से सही कथन की चयन करनी है। ढोले ये देखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं, एशियाई कुत्ते होते हैं। भारत में मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जंगलों में पाए जाते हैं। ये सिर्फ भारत में पाए जाते हैं ऐसा नहीं है, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई के जो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये एक मांसाहारी जीव होता है। जो गांवों में या फिर शहरों में जो कुत्ते होते हैं उनका भी इनके द्वारा शिकार किया जाता है। इनके अन्य नाम भी हैं जैसे कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग, एशियन वाइल्ड डॉग और रेड डॉग, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इनकी संख्या लगातार कम हो रही है फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि कॉमन सी बात है, इनके आवास लगातार कम होते जा रहे हैं, इनका भी शिकार किया जाता है। जो बहुत सारी जनजातियां समूह होती हैं उन समूह के द्वारा इन जानवरों को मारने के बाद में भोजन के रूप में, मांस के रूप में खाया जाता है। साथ ही ये जो कुत्ते होते हैं, जंगली कुत्ते हैं, वो कभी कभी गांव के जो कुत्ते होते हैं उनको शिकार कर लेते हैं, और यदि गांव के कुत्ते में कोई बीमारी है तो वो इनमें चली जाती है और अंततः इन कुत्तों का भी मृत्यु हो जाता है। तो ये एक कारण है। दूसरी प्रजातियों के साथ इनको प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है, चाहे वो शेर के साथ हो या फिर चीता, तो अभी भारत में है नहीं, या फिर दूसरे ऐसे टाइगर वगैरह कुछ भी हैं, उन लोगों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है, तो ये भी एक दिक्कत हो जाती है। IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। साइट्स के को विशेष रूप से याद रखेंगे, ये परिशिष्ट 2 में है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है, जो भारत का है, उसकी अनुसूची 2 में इन्हें सूचीबद्ध किया गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आगे। हमारे डिस्कशन का जो आठवां टॉपिक है वो नेशनल ट्रांजिट पास से संबंधित है। ये क्या है फ्रेंड्स? भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनजातियां, आदिवासी लोग या फिर कुछ ऐसे समूहों के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बहुत सारे लकड़ी के उत्पादों का निर्माण किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बांस की खेती की जाती है सामूहिक रूप से, और उन बांस के पौधों को, उन बांस के लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। जैसे जो भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश या फिर असम या फिर मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बांस पाया जाता है, इनसे बहुत सारे उत्पाद भी बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, यहां पर बांस तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। अब क्या होगा, इन क्षेत्रों में जब अच्छी खासी है तो इनको यहां पर लाया जा सकता है। यहां जो किसान इनकी खेती करेंगे, वृद्धि उनकी आय में वृद्धि होगी। वहां के आदिवासी या फिर जनजाति लोगों के द्वारा बहुत सारे लकड़ी के उत्पाद बनाए जाएंगे। यदि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो इनसे इनको रोजगार भी मिल रहा है, इनसे इनको आय भी मिल रही है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि उनको एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने में दिक्कत होती है। हर राज्य की बॉर्डर में उन गाड़ियों को रोक लिया जाता है और बहुत घंटों तक उन्हें रोक कर पूछताछ की जाती है, बहुत सारे कागज मांगे जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा कि कोई एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर कोई व्यापारी है जो इस पास के लिए पर्यावरण मंत्रालय के पास जाएगा, अपील करेगा। यदि उसकी जो उसका जो मन है, जो व्यापारी समूह है या फिर जो व्यापारी है उसका अच्छा विचारधारा है तो उसको ये पास दे दिया जाएगा। वो उन समूहों से उत्पादों को खरीदेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाकर आसानी से बेच सकेगा, तो इसीलिए इसे जारी किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का नवा टॉपिक जो है वो बेईदोव के बारे में है। आप जानते हैं कि बेईदोव क्या है? आपने वन लाइन में पढ़ लिया होगा लेकिन यूपीएससी में वन लाइन पूछेगा नहीं। तो आप तो सबसे पहले ये याद रखिए कि ये एक प्रकार की नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन सिस्टम कहने का मतलब क्या, आप मान के चलिए कहीं एग्जाम लिखने के लिए गए हैं, आप हैं उत्तर प्रदेश के, आपके आपका एग्जाम का सेंटर दे दिया है महाराष्ट्र। आप जाएंगे, आप वहां के स्कूल को तो देखे नहीं है लेकिन यहीं से आप देख सकते हैं कि वो स्कूल जो है वो कहां पर है। कैसे देख सकते हैं? नेविगेशन सिस्टम की वजह से, GPS की वजह से। कौन सा चीज कहां रखा हुआ है उसे, उसके पोजीशन को बताता कौन है,
नेविगेशन सिस्टम बताता है। हम अभी किसका यूज करते हैं, हम अभी जीपीएस यूज करते हैं। हालांकि भारत का अपना नाविक नाम करके नेविगेशन सिस्टम है, लेकिन अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, हम उसे अभी यूज नहीं कर रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम, जिसे हम जीपीएस कहते हैं। ये जो हम बात करें बेइडो का, तो ये चीन का नेविगेशन सिस्टम है। न्यूज में क्यों आया, क्योंकि फ्रेंड्स इसका कार्यक्रम जो था वो 1994 में शुरू किया गया था, यानी कि 1994 में इसने खुद का, यानी कि चीन ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने की पद्धति को शुरू की थी। अभी इनके द्वारा कहा गया है कि हमारा जो लक्ष्य था 35 उपग्रह स्थापित करने का, उसे हमने पूरा कर लिया है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है, इसलिए ये न्यूज में है। तो आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखें, चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये किसका है, तो चीन का है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी सटीकता कितनी है, 10 मीटर। इसकी सटीकता कितनी है, 10 मीटर। जिस जीपीएस का हम यूज करते हैं, इसकी सटीकता कितनी है, 2 मीटर। ठीक, यानी कि कोई गाड़ी जा रहा है, आप उसको पीछा कर रहे हैं, तो गाड़ी यहां है लेकिन वो 2 मीटर पीछे का आपको पोजिशन बताएगा। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे, मतलब भारत के हिसाब से, और बेइडो जो है वो तो 10 मीटर बताएगा, तो ये आप ध्यान रखें। इसके कितने उपग्रह हैं, 27 जो हैं वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक, 27, 5 जो हैं वो भू स्थैतिक में है, और 3 जो हैं वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में है। कुल आपको याद रखना है ये टोटल 35 हैं। और दूसरा क्या याद रखना है कि ये किसी एक ही जगह पर नहीं है, मतलब या तो जियोसिंक्रोनस में ही नहीं है, यानी कि भू स्थैतिक में नहीं है, या फिर भू समकालिक में भी नहीं है, एक ही जगह पर नहीं है, अलग अलग में है। आपको इसलिए मैं ये बता रहा हूं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से हम बात करें कुछ अन्य देशों का, तो फ्रेंड्स जीपीएस अब आपने जान लिया है ये अमेरिका का है, रूस का भी अपना है ग्लोनास, यूरोपीय यूनियन का भी अपना है गैलीलियो, भारत का भी अपना है नाविक। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था, रिजल्ट आया है आप देख रहे हैं, डिस्कशन करने लायक कुछ भी नहीं है, जो हो सकता है करिए, पढ़ाई कीजिए, बस पढ़ाई कीजिए, कोई साथ नहीं दे रहा है, भगवान, कोचिंग सेंटर वाले, यूपीएससी, किसी का सपोर्ट नहीं है हिंदी के लिए, बस जो कर सकते हैं आप प्लीज कीजिए।